गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा चार का गणित में आज हम लोग गुना सीखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं पांच जोड़ पांच जोड़ पांच, कितना लिखा हुआ है, एक दो तीन चार, यहाँ लिखा हुआ है चार। चार क्या लिखा हुआ है, चार बार, तो पांच लिखेंगे चार गुने पांच, ये चिन्ह हो गया मेरा गुना का। ये वाला जब था सीधा तो जोड़ था, ये घटाव था, अब ये गुना हो गया। तो एक दो तीन चार, तो यहां लिखा हुआ था चार पहले से, हम लोग क्या लिखे, चार गुने पांच बराबर, जोड़ लीजिएगा पांच दस पंद्रह बीस, तो चार गुने पांच बराबर बीस। सेम उसी तरह से हम लोग इसको देखिए, एक दो तीन चार पांच, कितना बार सात लिखा हुआ है, पांच बार, तो पांच गुने क्या लिखा हुआ है, सात, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए पांच गुने सात। तो अब इसको जोड़ लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, पांच सते पैतीस, ठीक है। छह जोड़ छह जोड़ छह, तो क्या लिखेंगे, तीन, छह कितना बार है, तीन बार, तो तीन लिख दिए गुने छह बराबर कितना आ जाएगा ये, अठारह। फिर देखिए नौ कितना बार है, एक दो तीन चार, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे नौ गुने चार या चार गुने नौ, इसको हम लोग लिख सकते हैं चार गुने नौ भी, और ये कितना हो जाएगा, छत्तीस, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, ये भी हम लोग को रिक्त स्थान को भरना ही है, ये हम लोग जान गए कि कोई भी संख्या को जितना बार जोड़ते हैं है ना, वही उसका गुना कहलाता है। जैसे हम लोग इसके डिफिनीशन में भी, हम लोग इसके परिभाषा में देखें, बार बार जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुना कहते हैं या सतत जोड़ को गुना कहते हैं। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं तीन गुने पांच, ठीक है, यहां लिखा है बराबर पांच गुने, यहां खाली जगह है तो क्या भरेंगे, तीन गुने पांच, तो यहां पांच लिखा है, यहां भी पांच है, तो यहां गुना का चिन्ह है, यहां क्या भरेंगे, तीन। सेम उसी तरीका से चार गुने सात, तो यहां सात लिखा हुआ है, तो यहां क्या नहीं लिखा हुआ है, चार, तो हम लोग यहां पे चार भर देंगे। छह गुने पांच, तो यहां छह लिखा हुआ है, यहां क्या नहीं लिखा हुआ है, पांच। कहने का मतलब है तीन गुने पांच बराबर पांच गुने तीन, चार गुने सात बराबर सात गुने चार, मतलब नौ गुने चार, चार गुने नौ लिखे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छह गुने पांच, तो पांच गुने छह। अब यहां देखिएगा पंद्रह गुने, यहां खाली जगह है, यहां लिखा हुआ बराबर का साइन दिया हुआ है, सात गुने फिर खाली जगह है, तो यहां पर पंद्रह है और यहां पर खाली जगह है, यहां सात है, यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब यही नंबर यहां भरा जाएगा पंद्रह। अब सात गुने पंद्रह हो गया, तो यहां पंद्रह लिखा है, तो यहां क्या भराएगा, सात, तो पंद्रह गुने सात बराबर सात गुने पंद्रह। अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है खाली जगह को भरे, जैसे पंद्रह गुने खाली जगह है जीरो, तो कोई भी संख्या को कितना से गुना करेंगे कि वह जीरो आएगा। तो हम लोग जान लें कि कोई भी संख्या को यदि जीरो बार गुना करेंगे, ठीक है, या किसी संख्या को जब जोड़ने का जो क्रम है यदि जीरो बार जोड़ेंगे तो वह जीरो आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जब जीरो लिखा हुआ है तो हम लोग यहां भी भरेंगे जीरो, मतलब किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। और यदि एक से गुना करेंगे, जैसे हम लोग को मान लीजिए पच्चीस है, पच्चीस को हम लोग एक बार लिख दिए, अभी सर बाकी कुछ जोड़े नहीं है, तो कितना आएगा, पच्चीस, इसको क्या लिखेंगे, पच्चीस गुने एक, तो पच्चीस गुने एक बराबर भी पच्चीस ही होगा, मतलब किसी भी संख्या को एक से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। कौन संख्या, जिस संख्या में एक से गुना कर रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे यदि मान लीजिए पचपन गुने एक, तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा, पचपन, तो हम लोग वहां यहां जैसे लिखेंगे हम लोग चार सौ पचपन गुने एक, तो क्या आएगा, यही संख्या हम लोग लिखेंगे 455 करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो गया। कोई भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो क्या होगा, शून्य मिलेगा, तो ये शून्य हो गया। अब मान लीजिए हम यदि कहते हैं कि 9999 गुने शून्य, तो क्या प्राप्त होगा, शून्य। अब कहते हैं 10000 गुने एक, तो क्या प्राप्त होगा, यही संख्या लिख देंगे हम लोग 10000, ठीक है। इस तरह से हम लोग गुना करने का जो है वो हम लोग सीखें। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।